तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए सरगुजा लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह ने सबसे पहले मां महामाया मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कांग्रेस के समर्थकों के साथ रैली निकालकर सरगुजा कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह ने कहा कि मां महामाया और जनता के आशीर्वाद से भारी मतों से जीत हासिल होगी और इधर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि 11 सीटों में से 3 सीटों में कड़ी मेहनत करनी होगी लेकिन 8 सीटों में जीत सुनिश्चित है, जी तोड़ मेहनत करना होगा। का आशीर्वाद से हम इस लोकसभा सीट को जीत रहे हैं वो भी भारी मतों से। हमारे साथ आदरणीय टीएस बाबा जी, आदरणीय खेल साहब बाबा जी, आदरणीय मोहन मरकाम जी, आदरणीय प्रेम साहब जी, आदरणीय अमरजीत भगत जी और हमारे कई विधायक जो हमारे सरगुजा के हैं, ये सारे लोग उपस्थित हैं। उत्साह बहुत है, सब बहुत एक्साइटेड है, सबको विश्वास है कि इस चुनाव को हम जीत रहे हैं। आज सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय शशि सिंह जी के नामांकन में हम सब लोग आए हैं और यहाँ के सरगुजा संभाग के हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री से लेकर संगठन के पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। जबरदस्त उत्साह है, इस बार हम दमदारी के साथ सरगुजा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? देखिए, हमारी तो कोशिश है हम 11 के 11 सीटें लड़ें और दमदारी के साथ हम सभी 11 सीटों में हम लड़ रहे हैं। 11 सीटों में प्रयास तो रहता है कि सब में हम अच्छे से अच्छा करें, 11 आ जाए तो क्या नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। सरगुजा संभाग अपवाद रहा, 14 की 14 पहले इधर, 14 की 14 फिर उधर, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन हमको 14 की 14 में अच्छा संघर्ष करना है। 3 में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, बाकी 8 में अच्छी ताकत लगा के सब साथ मिलके लड़ेंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे।